वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में श्रीलंका इंडिया को हराएगा। श्रीलंका माता कम ऑन श्रीलंका। जलने वालों को जलने दे, तीर निगाहों के चलने दे और सीधे जी में जाने दे। आर यू कॉमेडी मी भाई, मैच है या मजाक है भाई साहब? I think so. This will go down as one of the biggest and the mightiest spell with the new ball in the cricket history of ODI cricket. सात मैचेस भारत अब तक खेल चुका है, सात के सात भारत ने मैच विन कर लिए हैं, अनस्टॉपेबल जा रहा है अब तक। जिस तरह से शुभमन गिल और विराट कोहली खेले, विराट फिर एक बार अपनी सेंचुरी मिस कर गए, वो रिकॉर्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर का बराबर करने के लिए। कुत्तों की तरह इनको धोया है, उन्होंने श्रीलंका को समझ ही नहीं आने दी सर। अभी फिर पूरा पाकिस्तान बोलेंगे भाई जान ये मैच पिक्स था। मतलब दिस इज ब्लडी अनबिलीवेबल। इंडिया का जो ट्रॉफी का ड्रीम है वो अब टचिंग डिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। कोई भी टीम इनको फेस करने से डरती है। श्रीलंका के ऊपर तो पहले भी प्रेशर था, क्यों प्रेशर था आपको पता है, वर्ल्ड कप के अंदर जो इनको जलालत करवाई थी आपको पता है लास्ट मैच में। भाई ऊपर वाला बचा है हिंदुस्तान की टीम से सबको यार। ये क्या कर रहे हो यार। मोहम्मद सिराज आज ड्रैगन की तरह से बॉलिंग कर रहा था, वो अपने मुंह से फायर निकाल रहा था, अपने हाथों से फायर निकाल रहा था। मतलब दिस विल गो डाउन एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेल। इंडियन टीम के बॉलर जो है आपको पता है जब खेलने पे आते हैं, आउट करने पे आते हैं, तो वो ऐसी ऐसी स्विंग करते हैं जैसे आज बुमराह ने की है, शमी ने की है। इससे बड़ा लीथल, इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा इफेक्टिव स्पेल नहीं देखा होगा। जो बोलना चाहते हैं बोलने। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज था भारत और श्रीलंका का मैच जहां सभी लोग ये मान रहे थे कि भारत श्रीलंका से तो जीत जाएगा, लेकिन भारत ने सरप्राइज करते हुए श्रीलंका को इतनी बुरी हार थमा दी है कि ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का बहुत ही बड़ा हार होने जा रहा है श्रीलंका के लिए। जहां विराट कोहली और शुभमन गिल ने बहुत ही अच्छी पारी खेलते हुए और भारत के स्कोर को 350 रन के ऊपर ले गए, लेकिन दोस्तों इसके बाद हमारे इंडियन बॉलर सिराज, बुमराह और शमी ने पूरे श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। जहां मात्र 7 रन पर ही पूरे श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप को उखाड़ कर रख दिया और 4 विकेट आउट कर दिए। दोस्तों ये है भारत की डोमिनेंस, जहां श्रीलंका जैसे वर्ल्ड चैंपियंस को इतने बच्चों जैसे ट्रीट कर रही है और उन्हें रन्स भी स्कोर करने नहीं दे रही है, और साथ में अब पूरी दुनिया भर में क्रिकेटिंग प्लेयर्स को भारत के बॉलर्स का खौफ साफ दिखाई दे रहा है, जहां बड़े बड़े बैट्समैन और बड़े बड़े टीम्स को ताश की पत्तियां ऐसा बिखेरती हुई जा रही है भारतीय बॉलिंग। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी फिर पूरा पाकिस्तान बोलेंगे भाई जान ये मैच पिक्स था। अबे भाई कैसे पिक्स था भाई, पिक्स होने के भी कोई रूल्स होते हैं यार। कोई ऐसे थोड़ी पिक्स करता है कि 7 रन पर 5 ओवर पूरे नहीं हुए और 4 विकेटें गिर गई भाई। भाई ऊपर वाला बचा है हिंदुस्तान की टीम से सबको यार। ये क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या कर क्या रहे हो भाई। कोई यार ये तो अब वो पाकिस्तानियों की बात मेरे को बिल्कुल सच लग रही है भाई। पाकिस्तानियों ने एक वीडियो बनाई थी, बोल रहे थे भाई वो सारे पंडित बैठे हुए हैं, वो चूफ मंत्र भाई। अब मेरे को भी नत है। कुछ तो हो रहा है भाई, ये क्या कर रहा है भाई ये सिराज भाई, पागल वागल हो गया भाई, क्या विकटे ले रहा है यार। और बुमराह ये तो शामी को तो अभी नौबत ही नहीं मिले, पता नहीं शामी क्या करे। भाई थोड़ा सा छोड़ दो यार, वो बेचारे श्रीलंका वालों पे, ये देखो मैं देख रहा हूँ भाई, बड़ा अफसोस आ रहा है यार। ये थोड़ा सा सांस लेने दो यार, कोई ड्रिंक का मौका दो उनको, ड्रिंक पीने दो यार। विकेट पे विकेट आ रही है यार, अजीब सा ही मैच है भाई ये। हिंदुस्तान के मैच देखते हैं भाई, पता नहीं मिनट मिनट में खत्म कर देते हो भाई, थोड़ी तैयारियां करनी होती है यार। और सिर्फ मैं नहीं भाई, जो जो भी क्रिकेट पे बात करते हैं, पोस्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं या पोस्टर बनाते हैं, एडिट करते हैं, उन सब के लिए परेशानी है हिंदुस्तान की टीम भाई। अबे भाई एक आज पोस्टर बनाने दो, फिर भाई दूसरी विकेट लो यार। अब बंदा परेशान है, कौन सी विकेट की तारीफ करें अपन लोग। देखो यार अब जो है वो श्रीलंका वाले बेचारे मार ही नहीं पा रहे, डॉट पे डॉट, डॉट पे डॉट भाई, कलेजा निकाल दिया बेचारों का। ऐसा नहीं करो भाई, ये बहुत गुनाह है भाई, ये बड़ा जुलम है यार। कुत्तों की तरह इनको धोया है, उन्होंने श्रीलंका को समझ ही नहीं आने दी सर।
उनको बताया कि सर बैटिंग करते कैसे हैं। वेरी नाइस सर, उनको पता बताया बैटिंग होती कैसे, बैटिंग कहते किसको है। इंडिया की अजीब तरीन टीम खेल रही है ये लोग कह रहे हैं, बट मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट टीम खेल रही है और इंडिया वर्ल्ड कप को डोमिनेट कर चुका हुआ है, वो वर्ल्ड कप जीतेगा भी और सारे उसको वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते भी देखेंगे। ईजा ने एक दफा फिर कमाल कर दिया है। भारत के बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो आज एक दफा फिर विराट का बल्ला चला है, अहमदाबाद पूरा मैं कहता हूँ नारों से गूंज उठा। गिल ने जिस तरीके से जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली है, भारत ने मैच विन कर लिया श्रीलंका के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे, मुसलसल अनस्टॉपेबल जा रहा है। देखें सर, आपको पता ही है इंडिया जब विकेट्स के ग्राउंड के अंदर आता है तो वो जीतने के लिए आता है, और जैसे ही इंडिया के जो बल्लेबाज जब आते हैं तो वो छाते हैं। रोहित शर्मा जब विकेट दे बैठा है तो बाकी जो टीम आई है उन्होंने आपके सामने कैसा धोया, कोहली ने कैसा धोया, कैसे कैसे छक्के, क्लास के छक्के हमारे, शुभमन गिल ठीक है 92 स्कोर करके गया, विराट कोहली ने 88 स्कोर किया, उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 82 स्कोर किया। देखे ना कि वन ऑफ द बेस्ट टीम इंडिया की खेल रही है इस टाइम और उनकी परफॉर्मेंस भी हमेशा की तरह बेस्ट रही है, और जो इनके बॉलर जो श्रीलंका के बॉलर हैं उनको उनकी बैटिंग ही नहीं समझ आई यार, के यानी कि खेल क्या रहे हैं उनको। उन्होंने कहा यार रोहित शर्मा आउट हो गया तो हम लोग अब मैच को किसी तरह कर लेंगे, सस्टेन कर लेंगे, विराट कोहली को भी पकड़ लेंगे, गिल को भी पकड़ लेंगे। कैसा पकड़ा है, पकड़ने के बजाय उन्होंने आगे से धोया इनको, ऐसा धोया ऐसा धोया, 357 का टारगेट दिया और चेज भी नहीं करने दिया। मुझे ये बताएं, 7 मैचेस भारत अब तक खेल चुका है, 7 के 7 भारत ने मैच विन कर लिए हैं, अनस्टॉपेबल जा रहा है अब तक, क्या कहना चाहेंगे, किस तरफ जा रहा है वर्ल्ड कप, परफॉर्मेंस भारत की कैसी है, इंजॉय कर रहे हैं आप, आज का मैच कितना इंजॉय किया आपने। सर देखें आज को यानी कि पहली बात तो ये है कि भारत जो है मुसलसल एक ना उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया वर्ल्ड कप के अंदर, लगातार मैचेस में मैचेस जीता जा रहा है, कोई भी ऐसा मैच नहीं है जो इंडियन टीम से बाहर है। मैं कहता हूँ सारे मैचेस इंडियन टीम कंट्रोल करके बैठी हुई है, उनके प्रेशर इतना सारी टीमों के ऊपर, कोई भी टीम इनको फेस करने से डरती है। श्रीलंका के ऊपर तो पहले भी प्रेशर था, क्यों प्रेशर था आपको पता है, वर्ल्ड कप के अंदर जो इनको जलालत करवाई थी आपको पता है, लास्ट मैच में फाइनल जो हराया था इंडिया ने, और आज भी इनको मैच हरा दिया इंडिया ने, तो देखिए ना कि इंडिया का प्रेशर ही ऐसा है श्रीलंका के ऊपर, श्रीलंका फेस नहीं कर पाती इनको, उनके बॉलर्स को, उनके बैट्समैनों को, कोई भी ऐसा यानी कि उनको सिनेरियो मिलता ही नहीं है कि इंडिया को पकड़ पाए। इंडिया को पकड़ना सर इस टाइम बहुत मुश्किल हो गया, इंडिया इस टाइम अपनी वर्ल्ड की बेस्ट तरीन टीम खेल रही है और वो वर्ल्ड कप जीत रहे आए हैं और जीत के जाएंगे, देख लीजिएगा आप जरा। आपको क्या लगता है, इधर बहुत से पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि 96 में ऐसा हुआ था कि भारत ने सारे जीते थे लेकिन सेमीफाइनल में जाके हार गई थी, इस दफा बहुत से पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि अब तक तो अनस्टॉपेबल जा रही है लेकिन सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर कोई सेटबैक देखने में आ सकता है, क्या कहना चाहेंगे, वर्ल्ड कप किस तरफ जा रहा है, भारत के कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं और पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं कमबैक करने, क्योंकि हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन हम दुआओं पे हैं कि अगर वो उसको हरा दे तो हम सेमीफाइनल में आ जाएंगे, हमारे अपने कितने चांसेस हैं और भारत के कितने चांसेस हैं। सर देखिए भारत तो आपको सामने पता ही है, भारत इस टाइम पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी टीम लेके बैठा हुआ है और फाइनल के अंदर आपको पता ही है सेमीफाइनल्स के अंदर इंडिया आपको लगता है कि बाहर निकल पाएगा, इंडिया निकलने देगा कहीं किसी को बाहर, इंडिया तो भाई आपके सामने बड़े बड़े मुश्किल मैचेस जीता है, आसान मैचेस कोई नहीं जीता, सारे मुश्किल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल तरीन मैच था, साउथ अफ्रीका के सामने मुश्किल तरीन मैच था जो इंडिया ने उनको चेज नहीं करने दिया, तो इंडिया चेज करता है और उनको चेज करने भी नहीं दे रहा। आपने गौर किया अगर इंडिया की बैटिंग नहीं चलती बॉलिंग चलती है, जब बॉलिंग नहीं चलती तो बैटिंग चलती है, पाकिस्तान का इस टाइम वर्ल्ड कप के अंदर इतना कोई खास चांस नज़र नहीं आ रहा।